सत श्रीकाल, मैं हाँ डॉक्टर रजिंदर सिंह। पंजाब टुडे देखने वाले दर्शकों का स्वागत है। जिवें कि तुहानू पता है कि पंजाब दे विच जिथे आम आदमी पार्टी की सरकार बन चुकी है, उत्थे ही डेरा बाबा नानक की गल करिए तां डेरा बाबा नानक विधानसभा हल्के दे विच कांग्रेस के उम्मीदवार पंजाब के सबका उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने हैट्रिक मारी है। लगातार तीसरी बार सुखजिंदर सिंह रंधावा की डेरा बाबा नानक विधानसभा हल्के तो जित हुई है। हालांकि पंजाब दे विच सरकार आम आदमी पार्टी की बनी है, पर गल डेरा बाबा नानक हल्के की कर रहे हैं तो डेरा बाबा नानक तो सुखजिंदर सिंह रंधावा 441 वोटों तो जिते हैं। हालांकि बेहद फसवा मुकाबला वेखन मिलया है, पर पहले राउंड तो लैके लास्टले राउंड तक सुखजिंदर सिंह रंधावा अपने विरोधियों पछाड़ते रहे, भावें कि वोटों का फर्क थोड़ा ही सी। आखिरी राउंड तक कांटेदार टक्कर वेखन मिली है। उन्होंने अपने विरोधी रविकरण सिंह कालों से आम आदमी पार्टी के गुरदीप सिंह रंधावा को हराया है। रविकरण सिंह कालो श्रोमणी अकाली दल ते बसपा के उम्मीदवार सन, जिन्होंने सुखजिंदर सिंह रंधावा को काफ़ी कांटेदार मुकाबला दिता है। डेरा बाबा नानक विधानसभा हल्के दे विच इस वेले कांग्रेसी वर्करां दे विच खुशी का माहौल तो है, पर सरकार ना बनन दे करके कुछ निराशा भी है। उत्थे ही आम आदमी पार्टी के वर्करां अंदर काफ़ी खुशी महसूस की जा रही है। तुम दस दिए कि रविकरण सिंह कालो नूं सुखबीर सिंह बादल वालों फतेहगढ़ चूड़ियां का हल्का छड़ा के डेरा बाबा नानक हल्के तो स्पैशल टिकट दी गई थी, जिस तो बाद उन्होंने अपनी चोन मुहिम का आगाज किया। शुरुआती दौर में यह मनिया जा रहा है कि सुखजिंदर सिंह रंधावा के मुकाबले रविकरण सिंह कालो कोई ज्यादा स्ट्रोंग कैंडीडेट नहीं हैं, पर जिवें ही अज चोणा के नतीजे सामने आए हैं, उन्हों का यह मुकाबला सख्त वेखन मिलया है। इसके कई कारण हैं। इसके पिछे सुखजिंदर सिंह सोनू लंगाह, सबका मंत्री सुचा सिंह लंगाह के धड़े वालों की गई सपोर्ट से खास तौर पर लेबरफेड पंजाब के सबका चेयरमैन गुरप्रताप सिंह खुशालपुर वालों रविकरण सिंह कालों का पहले दिन तो ही पूरा साथ दिता गया, जिस करके उन्होंने वड्डे पद्धर से वोटां मिलियां हैं। जेकर गल वोटां की गिनती की की जाए तो सुखजिंदर सिंह रंधावा 52,361 वोटां मिलियां, जबकि रविकरण सिंह कालों 51,920 वोटां मिलियां हैं। इस तो अलावा आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार गुरदीप सिंह रंधावा 31,336 वोटां मिलियां, जबकि लास्ट प्ले राउंड आखिरकार 441 वोटां ते 18वें राउंड दे विच सुखजिंदर सिंह रंधावा की इथों डेरा बाबा नानक हल्के तो जित हुई है। तां दस दिए कि डेरा बाबा नानक विधानसभा हल्के तो सुखजिंदर सिंह रंधावा की अज तीसरी जित है। लगातार उन्होंने हैट्रिक बनाई है, अज जो जित हुई है उसके पिछे उन्होंने पिछले 5 साल के करवाए गए विकास कार्य हैं। नाल ही जेकर यह कहा जाए कि उन्होंने वड्डे भरा इंद्रजीत सिंह रंधावा ने भी ऐन मौके पर मोर्चा सांभिया, कई रुसिया मनाया, सुखजिंदर सिंह रंधावा की जित का राह पदरा किया है, तो कोई वड्डी गलती नहीं होगी। वड्डे पद्धर से इंद्रजीत सिंह रंधावा ने लोगों को कांग्रेस आखिरी मौके पर शामिल किया, जिस करके इंद्रजीत सिंह रंधावा की मेहनत अज रंग लियाई है। सुखजिंदर सिंह रंधावा 441 वोटों के नाल अज जित चुके हैं। उधर जेकर गल श्रोमणी अकाली दल की करिए, श्रोमणी अकाली दल की जब टिकट अनाउंस की गई थी तो पहले दिन तो ही अकाली दल के वर्करों में उत्साह तो वेखन मिलिया से धड़ाधड़ सरोपे पाने की मुहिम भी छेड़ दी गई थी, जिस तो बाद श्रोमणी अकाली दल के उम्मीदवार तो लैके सारे अकाली वर्कर ओवर कॉन्फिडेंट होंगे विखाई दते। हालांकि अज आखिरी राउंड तक उन्होंने सख्त मुकाबला तो दिता है, पर इसके पिछे आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार गुरदीप सिंह रंधावा का वड्डा रोल है। कांटेदार मुकाबला होने पिछे सुखजिंदर सिंह रंधावा के नाल जो उन्होंने साथी रहे हैं, गुरदीप सिंह रंधावा किसी वेले कांग्रेस होंगे सन, इस बार उन्होंने आम आदमी पार्टी तो डेरा बाबा नानक हल्के तो जब चोन लड़ी है उसका सख्त मुकाबला वेखन मिलया है। गुरदीप सिंह रंधावा वालों 31,336 वोटा हल्के तो लिया गई हैं, जो कि बहुत वड्डी गल है। इसका एक मुख्य कारण पंजाब दे विच आम आदमी पार्टी की हवा भी है, जिस करके आम आदमी पार्टी का झाड़ू डेरा बाबा नानक विच भावें कि जित तो नहीं सकया है, पर कांटेदार मुकाबला जरूर दे गया है। डेरा बाबा नानक तो सुखजिंदर सिंह रंधावा की हुई तीसरी जित तो बाद कांग्रेसी वर्कर काफ़ी खुश तो हैं, पर सरकार ना बनन दे करके उन्होंने निराशा भी है।
रंधावा साहब की जित है जी, ये हलका डेरा बाबा नानक के वर्करां की जित है। और इन्नी आम आदमी पार्टी की जी हनेरी झुली सी भी इन्हां लोगों ने सानू जिताया। तो मैं सारे डेरा बाबा नानक हल्के का धन्यवाद करती हाँ सारे वोटर सपोर्टर्स का। देखो जी मैं तो अपने हल्के के बारे मैं ज़्यादा पता, इतने असी बहुत डिवेलपमेंट की है और वर्करां ने भी पूरा साथ दिता है। और बाकी कुछ साड़ी पार्टी के भी पिछले चार साढ़े चार साल के जो कुछ होया, मैं अपने मूँह शब्द कहना नहीं चाहती, वह भी बड़ा सानू घाटा पाया पार्टी दी नू। और नाल दी नाल थोड़ा जिहा सिद्धू साहब ने भी पार्टी के अगेंस्ट जो कुछ शब्द बोलते रहे ने, वह भी नुकसान होया सानू।